मेरा नाम है बेयर ग्रिल्स। मैं पहले ब्रिटिश स्पेशल फोर्स में था। मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और आर्कटिक के बर्फीले समंदर को पार किया है। आज मैं पैराशूट से कूदने वाला हूँ सियरा नेवाडा के पहाड़ों पर। हर साल यहाँ 50 लाख राफ्टर, हाइकर और क्लाइंबर आते हैं, जिनमें से 200 बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इन हालात में कैसे जिंदा रहा जा सकता है। हालांकि ये जगह बंजर लग रही है, लेकिन यहाँ मिलने वाली चीजों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हम इन पत्थरों को पार कर सकते हैं और शायद हम इन्हें देखें भी नहीं। इनमें से कई तो बड़े काम के होते हैं। ये देखिए, इसे देख रहे हैं, इसे कहते हैं फूल्स गोल्ड, बेवकूफों का सोना। ये असल में पायराइट है। 19वीं सदी के आखिरी दिनों में यहाँ सोना खोजने की भगदड़ मच गई थी। लोग अक्सर इसे सोना समझ लेते थे, लेकिन ये सोना नहीं है, ये उनके किसी काम का नहीं। अभी मुझे कुछ खाना है और इस वक्त तो जो भी मिल जाए वही लजीज व्यंजन होगा। यहाँ मुझे शायद कुछ इल्लियां या छोटे गुबरैले मिल जाए। ये देखिए, ये कितनी भुरभुरी और सूखी है, और यहाँ किसी चीज का कोई संकेत नहीं है। यहाँ खाने लायक कुछ नहीं है। अब तो इस पहाड़ से जल्दी उतरना होगा, मगर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। मुझे अभी नीचे जाना है और पश्चिम की ओर ही जाना है। मैं अभी तक तो उसी तरफ जा रहा हूँ। हाँ, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी मिलेगी। अब तलाश खाने की। मैंने खाने की तलाश शुरू की थी तो मुझे एक सांप मिला था। अब वक्त है कि मैं भोजन चक्र की कुछ बड़ी चीज ढूंढूं। अब इसे खाता हूं। वाह, मुझे एक दिशा का चुनाव करना होगा। मैं पूर्व में तो नहीं जाऊंगा। पूर्व में जाना यानी नेवाडा के तपते रेगिस्तान में पहुंच जाना, इसलिए मैं जाऊंगा पश्चिम में। जब तक कपड़े सूख रहे हैं तब तक मेरे पास ये मौका है कि अपनी स्थिति का पता लगा लूं। जिस दिन आसमान साफ होता है और सूरज चमक रहा होता है, तब उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, चारों दिशाओं का पता लगाना बड़ा आसान होता है। मैं इसके लिए ये छड़ी और साय का सहारा लूंगा। इसके लिए मुझे चाहिए छोटी सी ये टहनी। ये ठीक है, मैं इसे जमीन में गाड़ देता हूं और इसकी अच्छी परछाई बनेगी। मैं इस साय के छोर पर निशान लगा देता हूं। यहां खाने लायक कुछ नहीं है। अब तो इस पहाड़ से जल्दी उतरना होगा, मगर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। मुझे अभी नीचे जाना है और पश्चिम की ओर ही जाना है। मैं अभी तक तो उसी तरफ जा रहा हूं। हाँ, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक तरुण गर्ल स्काउट यहाँ पर आई थी और वो बेचारी दिशा भटक गई और 2 दिन तक वो यहाँ भटकती रही थी। 15 साल की वो गर्ल स्काउट यहाँ मिली थी। वो जाड़े की हड्डियां जमा देने वाली ठंड में 15 किलोमीटर तक भटकती रही, फिर उसे एक बचाने वाले ने देख लिया। मैंने आज सुबह देखा था कि सूरज वहां पर निकला था। पूर्व में मैंने उसे चढ़ते भी देखा था। मुझे पश्चिम में जाना है और मुझे पहाड़ों से नीचे भी जाना है। कुछ घोड़े चल रहे हैं और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह अमेरिका की एक ऐसी जगह है जहां आज भी जंगली घोड़े दिखाई दे जाते हैं। मुझे एक दिशा का चुनाव करना होगा। मैं पूर्व में तो नहीं जाऊंगा। पूर्व में जाना यानी नेवाडा के तपते रेगिस्तान में पहुंच जाना, इसलिए मैं जाऊंगा पश्चिम में। अब वक्त है नीचे जाने का, मगर पहले पानी जमा कर लूं। सबसे पहले ये देखना होगा कि इस पहाड़ में किस तरफ से उतरने में ज्यादा आसानी होगी। धूप की गर्मी से बर्फ भी कमजोर पड़ गई है। अगर आपको ऐसी किसी ढलान को पार करना हो तो ध्यान रखें कि हर कदम ठोस बर्फ में पड़े। काफी फिसलन है, मगर मुझे इस पहाड़ से जल्दी नीचे उतरना होगा। मुझे पानी की एक जगह दिख गई है। यहाँ काफी पत्थर हैं और ये है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की चट्टानों में इस तरह के छेद होते हैं और गड्ढे,
साल के इस वक्त जब जोर से तूफान आते हैं और पानी बरसता है तब इनमें पानी जमा हो जाता है। मुझे अभी पानी की सख्त जरूरत है, बहुत प्यास लगी है मुझे। मेरे सिर में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है जो शायद ऊंचाई की बीमारी का संकेत है। मैं अभी करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर हूँ, इसलिए ये कोई अनोखी बात नहीं है, मुझे पानी तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ लग रहा है, मगर जरूरी नहीं है कि ये शुद्ध भी हो। पानी रुका हुआ है, इसलिए इसमें खतरनाक बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। सेना के मेरे एक दोस्त ने ऐसी एक झील से पानी पी लिया था और फिर एक हफ्ते तक वो उल्टी और दस्त से परेशान रहा था। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता, मैं बोतल तो भर रहा हूँ, मगर मैं इसे मौका मिलने पर पहले तो उबालू। अभी तक तो मैं आसानी से आगे बढ़ रहा था, मगर अचानक मेरे सामने आ गई एक विशाल चट्टान। इसका तल 350 फुट नीचे है। घूमकर पैदल जाने में कई घंटे लगेंगे और मेरे पास वक्त नहीं है। सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका तो यह है कि मैं कोई और तरीका ढूंढूं, मगर इन घूमते बादलों को देखकर मेरी फिक्र बढ़ने लगी है। ये पहाड़ों पर आकर तूफान और बिजली से खतरा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि हम बिल्कुल असुरक्षित होते हैं, यानी अब तो मुझे और भी तेजी से जाना होगा। मैं अब इसके नीचे उतरूंगा, वो भी रस्सी या किसी और उपकरण के बिना, और ऐसा करने का बस एक ही तरीका है। जब इस तरह से नीचे उतरना हो तो कोशिश कीजिए कि आप अपने पैरों से चट्टान पर घर्षण बनाएं, और जब जरूरत हो तो हाथों की भी मदद लेते रहें। हाँ, फिसलने की कोशिश न करें, बस धीरे धीरे नीचे की ओर सरके। जब ढलान तेज हो उस स्थिति में आप पेट के बल बढ़ें। कितने जांबाज लोग थे जो इन भीहड़ों में भी कैसे जिंदा रहते थे, मगर अब मैं तो चला अपने घर वापस। बड़ा मुश्किल सफर था, लेकिन यहाँ आकर मेरे मन में यहाँ रहने वाले आदिवासियों के लिए सम्मान बढ़ गया है, क्योंकि वो इन बीहड़ों में रहने की